हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका कैप्टन अमरीश कुमार आधाना, 18 एशियन गेम गोल्ड मेडल इन 800 मीटर 3000 मीटर स्टीपल चेस ओलंपिक क्वालिफायर मिस्टर अविनाश सांभरे। हेलो हाय एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे एबीसी एक्सरसाइज। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि एबीसी एक्सरसाइज की एक वीडियो डालें, जो हमें बेनिफिट हैं रनिंग में और स्ट्रेंथ में, सारी चीज़ें में, रनिंग इकोनॉमिक कंडीशन इसकी सुधरती है। एबीसी का एक वीक में हम दो सेशन रखते हैं, कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जो मेरे सामने इंटरनेशनल एथलीट्स है मिस्टर बीर सिंह, ये आपको करके दिखाएगा। और आप देखिए, बिल्कुल देखें, जब हम शुरू करते हैं, ये वन टो है। जब आप इसको करते हैं और स्टेज होती है, तो इसके आपके जो कई बार बोलते हैं कि सिन पेन हो रहा है, तो इससे सिन पेन नहीं होता और स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो आप देखें और इसको करें और अपना फ़ायदा उठाएं। ये ऐसी मैं आपको 5-6 एक्सरसाइज बताऊंगा। जब करते हैं तो थोड़ी सी आप जॉगिंग जाएं, जिससे कि रिकवरी मिलती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर तैयार हो जाएं। अब इस पे हम हिल पाएंगे। जब हिल पे हम आते हैं तो पीछे इसे जो हमारी पिंडी की मसल हैं, वो जो टाइट होती हैं, उसमें रिलैक्स हो जाती हैं और स्ट्रेच मिलती है, स्ट्रेंथ भी आती है। इसलिए ये आवश्यक है ये करने के लिए। और इसे करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा जब पूरा होता है तो हम जॉगिंग करते हैं, ये करनी आवश्यक है। ये आपका हैनी एक्शन से आपकी थाई स्पीड, मसल की स्ट्रेंथ सारी इंप्रूव होती है, आपकी रनिंग इकोनॉमिक सुधरने के लिए ऑल बॉडी एक्सरसाइज। और इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और मसल में बहुत शानदार हो जाता है, जिससे आप रनिंग अच्छी कर सकते हैं। अभी हम आप करेंगे बैक किक। बैक किक से हम रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, और इसके किक करने से, बैक किक करते हैं, काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, जो बहुत कारगर और अच्छी है। इसके बेनिफिट्स बड़े अच्छे हैं, आपकी मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद आप जॉगिंग आए हर एक्सरसाइज में और दोबारा फिर नेक्स्ट चेंज करें। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी ग्रोनिक मसल की स्ट्रेंथ एंड ब्लड सर्कुलेशन मसल का फास्ट करते हुए, ये बहुत ही बेनिफिट एक्सरसाइज है आपकी। और इस तरह फिर जॉगिंग जाए रिलैक्सेशन के लिए। ये अब आपके अल्टरनेट एक्सरसाइज है, दोनों पैरों से हम इसे करते हैं। इसकी जो आपकी ग्रोनिक है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, यहाँ मसल खिंचने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसके लिए बहुत आवश्यक है ये एक्सरसाइज। आपकी ग्रोनिंग बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ इससे मिल जाती है, और जब स्ट्रेंथ होगी तो ज़रूरी है कि आपकी स्पीड आ जाती है, इसलिए ये करना आवश्यक है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी स्ट्रेंथ के लिए और आपकी स्टेमिना के लिए। जो आप कह रहे थे एक मसल की स्ट्रेंथ कैसे बढ़े, थाई की कैसे बढ़े, थाई की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और आपकी रनिंग इकोनॉमिक सुधारने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और आप इसे करें, आपके बेनिफिट्स, रनिंग इकोनॉमिक सुधरेगी, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और उसके बाद ये थोड़ी सी जो गौर शाबाश, ये आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसपे आपकी मसल की जो स्ट्रेंथ बराबर बनती है। ये देखें आप दोबारा, इससे आपकी स्ट्रेंथ और स्पीड इंप्रूव होती है। ये एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं भी बहुत अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे आपकी रनिंग स्पीड इंप्रूव होती है। ये एक्सरसाइज है जो फ्रंट लेग भी आप कह सकते हैं, और जब हम स्ट्राइड लेंथ हमारी फास्ट करने के लिए, स्ट्राइड लेंथ की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेच करने के लिए और मसल को सही डायरेक्शन में लाने के लिए ये एक्सरसाइज है। स्ट्रेट लेंग, इससे इसकी मसल स्ट्रेंथ होने के बाद आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आपकी स्ट्राइड लेंथ है, उस स्ट्राइड लेंथ इससे बढ़ती है, जो आपको कंपटीशन में मदद करती है और स्पीड वर्क में आपकी मदद करती है। ये वीक में आप 2 बार ABC पक्का ही करें, इससे आपको बेनिफिट होगा। टकवाक आपकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, साथ के साथ आपकी जो थाई भर जाती हैं, उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलती, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इसके करने के बाद फिर हम थोड़ी जॉगिंग करते हैं, जो मसल स्ट्रेंथ भी हो और अब साथ के साथ रिलैक्स होती रहे। कई खिलाड़ियों की डिमांड थी कि सर हमारी थाई भरती हैं। एक्सरसाइज है आपकी जंपिंग, जिससे आपकी इंक्रीज होगी थाई की स्ट्रेंथ, कोडिसेप्स मसल्स, जो आप कह रहे थे थाई भरती हैं, कोडिसेप्स भरती हैं, पिंडी भरती हैं। 20-30 जंप हम लगा सकते हैं, जो और
ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी उसे ज़्यादा सेट के द्वारा कर सकते, 3-4 सेट कर सकते, लेकिन जो नए हैं वो 10-10, 15-15 के सेट भी कर सकते हैं। इससे आपके पेट की एक्सरसाइज और थाई स्ट्रेंथ की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। ये आपका स्टार्ट है, स्टार्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। और आप कई लोग डरते हैं स्टार्ट लेने से, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज है, क्योंकि जब स्टार्ट पॉइंट पर खड़े होते हैं हम डरते हैं। ओके, एक साइज आपकी बॉडी के बैलेंस को देखते हो, जब बिल्कुल आगे जाता तब आप आगे दौड़ स्पीड से जाएं, और स्पीड से जाते हो आपको इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर जब डर लगता है, डर दूर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका बेस्ट हो जाता है। ज़्यादातर स्प्रिंटर इसको करते हैं और ये आपके लिए आवश्यक भी है। एक साइज आपकी बहुत अच्छी है, जिसको हम 30-40 सेकेंड होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर स्पीड से हम जाते हैं, तो ये आपकी बैक की स्ट्रेंथ, नी स्ट्रेंथ, थाई स्ट्रेंथ, इस सब की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और प्रॉपर ये लड़का कर रहा है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैप्टन अमरीश कुमार था, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, वीक में आप दो बार कर सकते हैं, इससे आपकी रनिंग इकोनॉमिक और स्ट्रेंथ की इंप्रूवमेंट हो, जो मसल की स्ट्रेंथ आपको बढ़ेगी। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।